तो चलिए फ्रेंड्स, आज सबकी मनपसंद की सब्जी बनाते हैं पालक पनीर। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने पालक को कट कर लिया, उसके बाद मैंने ये धो लिया पालक को, और फिर एक साइड पर मैंने कुकर रख दिया और उसमें मैं पालक अब डाल रही हूँ। पालक को जब हम पकाते हैं तो ये बहुत कम हो जाता है। पालक डल गया और इसमें अब मैं पानी डालूंगी। ये देखिए, इसके बीच हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि बाद में भी डालना है। और फिर कुकर को बंद कर दीजिए। एक साइड पर हम तड़का तैयार करेंगे, जिसमें मैंने हरी मिर्च तो पहले ही डाल दी, टमाटर और प्याज लिए हैं और पनीर की ऐसे छोटी छोटी क्यूब्स कट कर ली हैं। आप अपने हिसाब से पनीर की शेप कट कर सकते हैं। ये देखिए, पालक कितना कम रह गया। तो चलिए फिर इसे हम बेसन डालकर घोटते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें बेसन डाल लिया। अगर आप चाहे तो मधानी से घोट सकते हैं, मैं तो इसे ग्राइंडर से ग्राइंड कर दूंगी। ये देखिए, ग्राइंडर से ये ग्राइंड हो गया और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। पर लेकिन अब मैं इसे एक दो चार मिनट और पकाऊंगी, और पकाने के बाद इसका कलर ऐसा हो गया। तो चलिए फिर एक साइड पर हम तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया, उसके बीच प्याज डाल दिया। प्याज को थोड़ी देर भूनना है और फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर भी डाल दिए। टमाटर को भी थोड़ी देर गलने देना है। तो अपने टेस्ट के अनुसार इसमें आप नमक डाल लिए, क्योंकि पहले भी हमने पालक में नमक डाला है। और फिर इसके बीच हम डालेंगे मिर्च, हरी मिर्च भी डालिए, लाल मिर्च भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो ये तड़का हो गया तैयार। तो हम पालक को इसके बीच में डाल देंगे, ये देखिए। तो उसे मिक्स कर लीजिए ताकि पालक का सारा ऊपर तड़का आ जाए। और फिर पनीर की क्यूब्स डालेंगे। आराम से आप इसे मिक्स करिएगा, क्योंकि नहीं तो पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और सारा चूर चूर हो जाएगा। ये देखिए, बनकर हो गया तैयार। इसे हम नान के साथ, रोटी चपाती के साथ, मक्की की रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।